हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफिशियल में एक बार फिर वीवो आईपीएल 2021 सीज़न 14। जी हाँ, आईपीएल 2021 का जो 14वां सीज़न है जिसका आधा पड़ाव पार हो चुका है, लेकिन आधा पड़ाव अब भी खेला जाना है, जिसकी शुरुआत जो है 19 सितंबर से होने वाली है। आधे पड़ाव की शुरुआत जो है 19 सितंबर से मुकाबले खेले जाने हैं। जो आधा हाफ बचा है आईपीएल 2021 का जो 14वां सीज़न है, कोविड केसेस आने के कारण आधा पड़ाव पार हो चुका है। आधा पड़ाव जो खेला जाना था वो अब 19 सितंबर से ही खेला जाना है। कोविड केसेस आने के कारण इसका आधा ही पड़ाव खेला गया, लेकिन आधा पड़ाव अभी बचा हुआ है। तो 19 सितंबर से जिसकी शुरुआत होने वाली है उसके लिए शेड्यूल भी आ चुका है। शेड्यूल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, अपने आप मोबाइल पर देख रहे होगे, लैपटॉप पर देख रहे होगे तो ज़रूर स्क्रीन पर देखिए, वहाँ पर आपको शेड्यूल मिल जाएगा। स्क्रीन पर शेड्यूल देख सकते हैं आप आईपीएल 2021 का। पहला मुकाबला जो 19 सितंबर से खेला जाना है, 19 सितंबर को जो आधे हाफ की शुरुआत होने वाली है, तो मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग के बीच एक बड़ा मुकाबला होने वाला है, रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी के बीच, चेन्नई बनाम मुंबई। एक बड़े मुकाबले की शुरुआत से आधा हाफ की जो शुरुआत होने वाली है, जो आधा हाफ खेला जाना है आईपीएल 2021 का, जो 14वें सीज़न का जो आधा हाफ खेला जाना है, वो मुंबई और चेन्नई के बीच मुकाबले से शुरू होगा। मुंबई और चेन्नई का मुकाबला खेला जाना है 19 सितंबर को। 20 सितंबर को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के सामने होगी कोलकाता नाइट राइडर्स। जी हाँ, मॉर्गन की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स और विराट कोहली की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर 20 सितंबर को आमने सामने होगी। 7:30 बजे से मुकाबले की शुरुआत होने वाली है। और 21 तारीख को जो मुकाबला खेला जाना है राजस्थान रॉयल्स बनाम पंजाब किंग्स के बीच, जो केएल राहुल की कप्तानी वाली पंजाब किंग्स और संजू सैमसन की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल्स। तो वहीं 22 तारीख को मुकाबला खेला जाना है सनराइज़र्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के बीच। जी हाँ, केन विलियमसन की सनराइज़र्स हैदराबाद और ऋषभ पंत हो गए या फिर श्रेयस अय्यर भी हो सकते हैं कप्तान दिल्ली कैपिटल्स के। अगर श्रेयस अय्यर फिट होते हैं, वो खेलते हैं, तो श्रेयस अय्यर के हाथ में ही कमान होगी दिल्ली कैपिटल्स की। अगर श्रेयस अय्यर नहीं खेलते तो ऋषभ पंत के हाथ में ही कमान होगी, लेकिन शायद मेरे ख्याल से श्रेयस अय्यर खेलेंगे और कप्तान की जिम्मेदारी भी उनके ही कंधों पर होगी। तो दिल्ली कैपिटल्स और हैदराबाद का मुकाबला होगा 22 सितंबर को शाम 7:30 बजे से। तो शाम 7:30 बजे से ही सारे मुकाबले खेले जाने हैं। तो आधा हाफ जो है वो 19 सितंबर से शुरुआत होने वाली है आधे हाफ की। तो शेड्यूल देख सकते हैं आप यहाँ पर स्क्रीन पर। और वीडियो कैसा लगा, वीडियो ज़रा कमेंट बॉक्स में बताइए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा। टेलीग्राम चैनल है हमारे स्पोर्ट क्लब ऑफिशियल नाम से, वहाँ पर भी आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज्वाइंट हो सकते हैं। ज़रूर ज्वाइंट हो जाइए, जुड़ जाइए। थैंक यू।